अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अवैल्यूएट द इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 2 ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 डीएक्स। देखिए इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 2, इसको आप लिख लें 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x को dx के साथ लिख लें। आप अगर उधर वार से देखें तो इस पूरी वैल्यू की पावर 1 है और बेस जो है उसका आगे डेरिवेटिव हम कंप्लीट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यहाँ पे हम बना सकते हैं अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो आप 2 से डिवाइड करके इंटीग्रल से बाहर लिख लो और 2 से मल्टीप्लाई करा दें x को। अब देखिए इसका आगे डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है और इसकी पावर 1 है। जब आपके पास ऐसी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में दी हुई और उसकी पावर 1 हो तो उसका इंटीग्रल जब हम अवैल्यूएट करते हैं तो उसको लॉग के फॉर्म में लिख लेते होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर इसकी अभी लिमिट्स हमने एज इट इज लिख लेनी है 1/2। अब आप लिमिट्स को पुट करें, अपर लिमिट पुट करें लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट इज 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा फिर प्लस 2 इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। 1/2 log of 6 माइनस log of 3। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। log की प्रॉपर्टी होती है log of a माइनस log of b इक्वल्स टू log of a by b। तो ये आपके पास बन जाएगा log of 6/3। अगर हम 6 को a कंसिडर करें और 3 को b कंसिडर करें तो ये आपके पास बन रहा है log of a माइनस log of b और ये आपके पास होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर रही हूँ, हाँ जी log की प्रॉपर्टी राइट कर रही हूँ, ये आपके पास होता है log of a माइनस log of b इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बाय बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 3 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 6/3 और ये आपके पास आंसर बन जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 6/3 इज 2, 1/2 लॉग ऑफ 2। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एवेल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर डीएक्स। हाँ जी, इसका इंटीग्रल एवेल्यूएट करने से पहले आप इसके स्क्वायर को ओपन करें। 2 to 3 ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। फिर हम इंटीग्रल को कर लेते हैं सेपरेट, इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 1/x स्क्वायर है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको न्यूमिनेटर में ले जाए पावर नेगेटिव हो जाएगी। फिर माइनस 2 इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल से बाहर लिख लें और फिर 1 को कंसीडर करके उसकी इंटीग्रेशन ले। हाँ जी, अब हम इंटीग्रल को वैल्यूएट करते हैं। देखिए आपके पास x की पावर 2 दी हुई है, x की पावर 2 का जब हम इंटीग्रल लेंगे तो x की पावर 2 प्लस 1 व्हिच इज 3 डिवाइडेड बाय 3 लिमिट्स एज इट इज माइनस, हाँ जी x की पावर माइनस 2, x की पावर माइनस 2 का जब हम इंटीग्रल लेंगे तो यह आएगा आपके पास x की पावर माइनस 2 प्लस 1 विच इज x की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1। 2, 3 माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 इक्वल्स टू x 2 to 3। 1/3 कॉन्स्टेंट है, उसको आप लिमिट से बाहर ले लें। 2 to 3 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, x की पावर माइनस 1 न्यूमिनेटर में दिया हुआ है पावर नेगेटिव है, इसको नीचे लेके आए डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो जाएगी माइनस 2x 3 बाय
थ्री टू, ठीक है। वन बाय थ्री, हाँ जी, थ्री एक्स की पावर थ्री है। अपर लिमिट पुट करें फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करें। जब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो यह बन जाएगा थ्री की पावर, थ्री की पावर थ्री माइनस टू की पावर थ्री। फिर वन बाय एक्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें, वन बाय थ्री माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय टू, फिर माइनस टू एज इट इज, और फिर एक्स में लिमिट पुट करेंगे थ्री माइनस टू। वन बाय थ्री, थ्री की पावर थ्री ट्वेंटी सेवन माइनस एट प्लस, इसका एलसीएम ले लें टू माइनस थ्री बाय सिक्स माइनस टू इंटू वन, ये आपके पास आ जाएगा नाइनटीन बाय सिक्स, 19 बाय थ्री, फिर माइनस वन बाय सिक्स माइनस टू। फर्दर आप इसको कैलकुलेट कर लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 9 बाय टू। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एवैल्यूएट द इंटीग्रल फ्रॉम माइनस वन टू वन ऑफ एक्स प्लस वन बाय टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डीएक्स। इसका इंटीग्रल एवेल्युएट करने से पहले आप ये स्क्वायर रूट को पावर फॉर्म में चेंज कर लें, माइनस वन वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू। फर्दर आप एक्स प्लस वन बाय टू को डीएक्स के साथ लिखें। माइनस वन टू वन, अच्छा जी देखिए बेस हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फर्दर हम आगे चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है या फिर कंप्लीट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स, यहाँ पे एक्स मौजूद है, अगर हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर हम देखते हैं एक्स का डेरिवेटिव विच इज वन, लेकिन यहाँ पे वन बाय टू मौजूद है, अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें इसको अभी तो ये टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी वन आ जाएगा, डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं टू से डिवाइड भी कर देते हैं और टू से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, वन की पावर वन बाय टू। अब देखें टू से हमने डिवाइड किया उसके बाद हम टू से मल्टीप्लाई भी करें, यहाँ पे पास बन जाएगा टू एक्स प्लस, जब हम वन बाय टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वन। इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बाय पावर रूल, वन बाय टू इंटीग्रेट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू, और लिमिट्स आएंगी माइनस वन टू वन। वन बाय टू, थ्री बाय टू कॉन्स्टेंट है, इसे आप बाहर ले लें, ये आपके पास बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय टू बाय थ्री। फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन टू वन, टू टू से कैंसिल आउट वन बाय थ्री। अपर लिमिट पुट करें, अच्छा यहाँ पे इसकी पावर थ्री बाय टू आ रही है, अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट आपके पास है वन, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन की पावर थ्री बाय टू, फिर नेगेटिव साइन। लोअर लिमिट पुट करें माइनस वन की पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन की पावर थ्री बाय टू, ओके वन बाय थ्री, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन प्लस वन इक्वल्स टू थ्री, थ्री की पावर थ्री बाय टू माइनस, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, यहां से आपके पास आ जाएगा वन की पावर थ्री बाय टू। फर्दर वन बाय टू, देखिए थ्री की पावर आपके पास थ्री भी है और साथ में वन बाय टू भी है, मीन्स स्क्वायर रूट थ्री की पावर दी हुई है थ्री माइनस वन,
वन बाय थ्री। अब देखिए स्क्वायर रूट थ्री की पावर थ्री है तो हम इसको थ्री टाइम लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर। पावर थ्री थी तो मैंने क्या किया, एक पावर को बाई ले लिया, पावर वन और पावर टू बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर एड होंगी तो अगेन आपके पास पावर थ्री आ जाएगी। माइनस वन, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, वन बाय थ्री, थ्री स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन। अब देखिए ये वन बाय थ्री अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री से कैंसिल आउट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा वन बाय थ्री। ठीक है, समझ आ गए बच्चों? नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। ओके बच्चा, अल्लाह हाफिज़।